हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। अभी हम आ चुके हैं पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और देख सकते हैं यहाँ पर पूसा यूनिवर्सिटी का गेट लॉक है एक तारीख से कोरोना के कारण। और नया जो बीमारी निकला है कोविड जैसा ही एक ओमिक्रॉन के कारण से पूरी यूनिवर्सिटी गेट बंद है। को जाना है हॉस्पिटल चौक से, इधर का ये रास्ता हॉस्पिटल चौक का रास्ता जाएगा। और आगे अगर आप पैदल हैं तो ये रास्ता जाने के लिए वहाँ पीछे देख सकते हैं, इधर से आप जा सकते हैं हॉस्पिटल चौक यूनिवर्सिटी अंदर जा सकते हैं इधर से। और बाइक से आ रहे हैं तो वही रास्ता आपके लिए ठीक है। जा रहे हैं गोराई घाट रिवर फ्रंट, वहाँ पर हम बोटिंग करने ले जा रहे हैं और तो आज वो लोग यही है। चलिए आपको हम आगे दिखाते हैं और हमारे साथ देख सकते हैं यहाँ पर मेरा करण भी आया है मेरे साथ साइकिल से। चलिए ब्लॉग बने रहिए, चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, भाई को सपोर्ट करिए। चलिए आप दिखाते हैं, गाइस आप लोग देख सकते हैं हम इधर के रास्ता से अभी आए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। और देख सकते हैं हमारे पीछे यूनिवर्सिटी में काफ़ी कम भीड़ है, इक्का दुक्का लोग दिखाई पड़ रहे हैं। तो देखिए फ्रंट कैमरा से आपको यूनिवर्सिटी के अंदर ज़रा दिखाते हैं हम। और चलिए चलते हैं आगे हम। देखिए हमारे पीछे यूनिवर्सिटी का नज़ारा है, आप लोग पूरे यूनिवर्सिटी खाली है। और देख सकते हैं हमारे पीछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का मूर्ति भी है, तो हम लोग गोलंबर भी बोलते हैं। और पूरे शांति है, एक भी गाड़ी नहीं दिखाई पड़ रहा है, साइकिल एक दो है। दो महीना बाद हम यूनिवर्सिटी आए हैं, एक तारीख को भी नेशनल के दिन भी हम यूनिवर्सिटी ब्लॉक शूटिंग नहीं आए। यूनिवर्सिटी तो बंद था और साइड में रास्ता था जो कि वहाँ रिवर फ्रंट पे सब लोग वहाँ झूला वूला लगा हुआ था, वहीं गए थे यूनिवर्सिटी में, तो बहुत कम ही लोग थे। चलिए आपको ले चलते हैं रिवर फ्रंट में। और अभी हम सेंट्रल बैंक ऑफ पहुँचने वाले हैं, तो देखिए पहुँच गए हैं। हम पहुँच चुके हैं ब्रह्मदेव राय महिला विश्वविद्यालय है। और चलिए आगे, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी बीटेक, यहाँ पर एग्रीकल्चर, यहाँ पर पूरे में प्लांट लाइट लगाया जाता है, नर्सरी टाइप का यहाँ पर है। और आगे में देख सकते हैं हम बगल में इधर इस साइड में वहाँ पर अमरूद का बागान भी है। बने रहिए हमारे साथ, आज पूरी यूनिवर्सिटी में ब्लॉग मिलेगा देखने के लिए। तो अभी तो हम जा रहे हैं, लाइक कर दीजिए आप सब। देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पर अभी हम आ चुके हैं महावीर मानस मंदिर पे। ये देखिए पीछे में हमारा दिख रहा होगा शायद आपको, काफ़ी धूप है। और देख सकते हैं कृषि विभाग भी साइड में हमारे पीछे है। और अभी हम पहुँचने ही वाले हैं किसान घर, और आपको हम देखेंगे किसान घर भी दिखाएंगे। और किसान घर होते हुए हम लोग जा रहे हैं रिवर फ्रंट पे। हमसे पहले काफ़ी लोगों ने YouTube पर यूनिवर्सिटी का ब्लॉग बनाकर डाला हुआ है, इसलिए हमने आज तक मतलब यूनिवर्सिटी का एक भी ब्लॉग नहीं बनाया है। तो आप लोगों ने देखा ही होगा, पर क्या समय खाता है ना, काफ़ी कुछ बदल जाता है और कुछ जरूर नया देखने के लिए मिलेगा हमारे वीडियो में। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं यहाँ पर किसान घर पर। यहाँ पर तो शादी भी होता है, फंक्शन के लिए आप बुक भी कर सकते हैं किसान घर में। और चलिए आपको किसान घर भी दिखाते हैं। और किसान घर पहुँचने वाले हैं हमें, और हमारे बगल में देख सकते हैं इस साइड पीछे में यही किसान घर है। और इस साइड देख सकते हैं यहाँ पर आगे में कुछ लोग साफ सफाई का काम चल रहा है। और थोड़ा ही दूर आगे में चाय चिल्ड्रन पार्क भी है, जिसका मैंने ब्लॉग बनाया था, आप लोग नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर जाके आप चिल्ड्रेन पार्क का भी आप वीडियो देख सकते हैं। और लास्ट ब्लॉग मेरा था वो दुर्गा पूजा का, चिल्ड्रन पार्क के बगल में हर साल यूनिवर्सिटी के अंदर दुर्गा पूजा भी होता है, उसका वीडियो भी मैंने बनाकर डाला था, शायद आप लोग ने कुछ लोगों ने देखा भी होगा वीडियो। और कैंपस पूरे पहुँच चुके हैं हम, साइड देख सकते हैं हमारे बगल में यहाँ पर कैंपस स्कूल भी है। और थोड़ी दूर आगे पुलिस स्टेशन पूसा का है। और इधर रास्ता हम लोग घूम गए हैं। और केंद्रीय भी आगे थोड़ा ही दूर आगे पहले केंद्रीय विद्यालय था, वो भी आपको हम दिखाएंगे। पूरा वीडियो हिल रहा होगा क्योंकि मोबाइल से ब्लॉग बना रहे हैं, हाथ में मोबाइल पकड़े हुए, साइकिल चल रहा है ना, इसलिए वीडियो हल्का हिल रहा है। तो आप लोग सिर्फ
यहाँ पर देखिए आगे, यहीं पर दुर्गा पूजा है, इस साइड घूमता है। केंद्रीय विद्यालय पहले यहीं में था, आपको हम दिखाते हैं, इस साइड देखिए, यहीं में पहले केंद्रीय विद्यालय था। और चलिए बने रहिए हमारे साथ आगे। देख सकते हैं यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल है, और इस साइड बहुत सारे हैं जो होते हैं यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, उन लोगों का क्वार्टर्स भी है। और इस साइड थोड़ा दूर बगल में ही साउथ इंडियन फूड रेस्टोरेंट भी है। और चारों तरफ हमारे आसपास आप लोग देख सकते हैं खाली यहाँ पर क्वार्टर्स ही हो बड़ा बड़ा। और कुछ दूर आगे ही यहाँ पर सरकारी स्कूल भी है बच्चों के लिए, जिससे मेरा दोस्त शिवम में पढ़ता था। और इधर देखते देखते काफ़ी रोड खराब है, काफ़ी दिन बाद ब्लॉग मैं बना रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक कमेंट जरूर करिएगा, और भाई को सपोर्ट करते रहिए। आप लोग का सपोर्ट प्यार रहेगा तो हम जरूर आगे जाएंगे और अच्छा अच्छा वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। मेरा मोबाइल तो ख़राब था, अब बन गया है, फिर भी पहले से ठीक मोबाइल है, तो वीडियो बनाने का सोचे। काफ़ी लोग बोल रहे हैं राहुल वीडियो बनाता क्यों नहीं है, वीडियो आ रहा है, बना रहे हैं अभी हम। और यहाँ पर प्रखंड संस्थान केंद्र है, और आगे ही सरकारी स्कूल यहाँ पर शिवम पढ़ता था, आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए पीछे हमारे यही सरकारी स्कूल है जहाँ पर शिवम पढ़ता था। और चलिए आगे बन रही है हमारे साथ, और बनने में वीडियो जरूर देखिएगा। शायद इस वीडियो को मतलब बहुत लंबा हो गया, तो इसका वीडियो पार्ट में आएगा वीडियो ये। चलिए और आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं काफ़ी जंगल इधर, यहाँ पर देख सकते हैं सहायक और सहायक केंद्र है, वो भी बहुत पुराना था, बंद अभी है। और हम गोराईघाट कुछ टाइम में पहुँचने वाले हैं, रिवर फ्रंट पूसा का, जहाँ पर अभी हर साल यहाँ पर रिवर फ्रंट पर फूड का एक शॉप भी खुला हो गया है, रेस्टोरेंट टाइप का है, और खाने के लिए बहुत चीज़ मिलता है। और वहाँ पर क्रिसमस डे पर, हैप्पी न्यू नया साल पर, हर साल कुछ फंक्शन होते रहता है वहाँ पर, झूला हर मतलब बहुत वहाँ पर मतलब है ना, फंक्शन की तरह मनाया जाता है हर साल। आप लोग काफ़ी लोग पूछा का होंगे, हमको देख रहे होंगे भाई को, तो मेरा नाम राहुल है और मेरा चैनल का नाम बिहारी है। आप लोग भाई को इधर भी देख सकते हैं, यहाँ पर मंदिर है, और इस साइड पूरे क्वार्टर है। चलिए बने रहिए हमारे साथ, और आगे ही यहाँ पर मुर्गी फार्म है, और उसके जस्ट ऊपर बांध पर चढ़ेंगे हम, नीचे उतरेंगे और एक बार फोटो पहुँच जाएंगे हम, तो पहुँचने वाले हैं वहाँ पर अभी हम। और आगे मेन गेट भी होगा, वो आपको हम दिखाएंगे। पहले आप फोन करवा से देखिए आगे का नज़ारा, हम पहुँच चुके हैं ही बुराई घाट पर। अभी देख हमारे पीछे देख सकते हैं मुर्गी फार्म भी है, और आगे देख सकते हैं बड़ा मेन गेट लगा हुआ है। न्यू ईयर के दिन यही गेट लगा हुआ था, काफ़ी लोग यहाँ पर न्यू ईयर के दिन आए थे सेलिब्रेट करने के लिए, यहाँ पर झूला उला, खाने पीने का हर चीज, बोटिंग का, हॉर्स राइडिंग, सब कुछ का मतलब इंतजाम किया गया था। मेरे ख्याल से हम तो नहीं आए थे, पर कुछ दोस्त हमारे बोल रहे थे। और चलिए आगे आपको हम दिखाते हैं रिवर फ्रंट का नज़ारा, वन पर चढ़ चुके हैं हम, और चलिए हल्का आगे आ रहे हैं। झूला वाला भी लगा हुआ है, आपको हम दिखाते हैं पीछे होके। यहाँ पर काफ़ी दुकान शायद आप लोग को दिख रहा होगा, इधर देखिए शायद आप लोग को दिख रहा होगा, अभी तक झूला वाला लगा हुआ है। चलिए आपको हम आगे दिखाते हैं, आप पहले फ्रंट कैमरा से नज़ारा देखिए। आप नीचे आ चुके हैं और देख सकते हैं हमारे आगे ही, अभी हम आ चुके हैं रिवर फ्रंट, और हमारे आगे में पूरे में झूला वाला सब लगा हुआ है। चलिए आपको हम आगे दिखाते हैं, चलिए हम पहुंच चुके हैं रिवर फ्रंट पूसा यूनिवर्सिटी के अंदर में, और हमारे पीछे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नाव का झूला लगा हुआ है। ये सब झूला नया साल के दिन लगाया गया था, और काफ़ी लोग आए थे दूर दूर से यहाँ पर मज़ा लेने के लिए, घूमने के लिए और सेलिब्रेट करने के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं टावर झूला भी लगा हुआ है। और चलिए आगे हम आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए पीछे ब्रेक डांस झूला लगा हुआ है, हमारे पीछे देखिए बच्चा लोग यहाँ पर कितना एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर पीछे में घोड़ा का भी झूला है, और पीछे देखिए कितना मजा कर रहे हैं बच्चे लोग। और ये देखिए हम आ चुके हैं फाइनली हमारे पीछे, आप लोग देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किंग एंड क्यू रिवर फ्रंट लाइन रेस्टोरेंट,
और नियर पोल्ट्री फार्म पुराई घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुशा। यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन है और जो पार्टी सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पर आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, सेलिब्रेट आ सकते हैं, यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं, अच्छा खासा फूड यहाँ पर खाने के लिए मिलेगा। और चलिए आपको हम आगे दिखाते हैं, अंदर ले जाके दिखाते हैं। और ये देखिए नज़ारा, और ये रहा एंट्री गेट, तो चलते हैं एंट्री गेट के अंदर और आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर क्रिसमस डे भी सेलिब्रेट किया गया था और ऊपर में लिखा हुआ है किंग एंड क्वीन रिवर फ्रंट लाइन रेस्टोरेंट, इसी के अंदर है डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव माननीय कुलपति जी। और दिनांक 4 नवंबर 2021 दीपावली है, छठ पूजा के हार्दिक शुभकामनाएं आप लोग। और यहाँ पर अंदर में रेस्टोरेंट है, खाने के लिए सब कुछ जूस मिलता है। चलिए अंदर आपको हम ले चलते हैं। और ये सामने आपको दिख रहा होगा यही है किंग एंड क्वीन रिवर फ्रंट लाइन रेस्टोरेंट, और यहाँ पर हुआ था क्रिसमस डे का सेलिब्रेशन। अब वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर आप बैठ के खा सकते हैं, अंदर में जगह है दोनों में। और यही है रिवर फ्रंट लाइन रेस्टोरेंट, यहाँ पर पेप्सी ठंडा बना का बेचता है और समोसा लिट्टी सब कुछ, यही है रिवर फ्रंट लाइन रेस्टोरेंट। और आपको कुछ चीज़ हम दिखाते हैं, अगर चलिए यहाँ पर देख सकते हैं लीलगाय का बच्चा है, इसको बोलते हैं, बहुत क्यूट है ना। और इसका पैर देख सकते हैं कितना नमकीला पैर है। गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। और अभी भी चलेंगे, कुछ टाइम हम चलेंगे बोट राइडिंग के लिए, अगर बोट मिला तो मिला। और यही है रिवर फ्रंट लाइन का रेस्टोरेंट, अंदर चलते हैं। भैया समोसा कैसे हैं? 10 रुपये पीस है क्या? इसके अंदर कुछ खास भी है कि 10 रुपये का? इसके अंदर कुछ ठीक है तो दो जगह एक एक समोसा निकाल दीजिए, टेस्ट करके देखते हैं क्या स्पेशल यहाँ पर मिल रहा है। रिवर फ्रंट लाइन रेस्टोरेंट, बहुत नाम सुने हैं इसका, बहुत मतलब जैसे क्रिसमस डे पर न्यू ईयर में यहाँ पर काफ़ी भी आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए। इधर पहले भी आए थे हम, कभी कभी मतलब होता है बात का समय था, पूरे मतलब यहाँ सब कुछ टूट टूट गया था, सब बड़ा बना है क्या बना है। जनवरी को तो काफ़ी भीड़ होगा इधर ना भैया। एक बार जो लगा कुछ था मतलब न्यू ईयर था, यहाँ आए थे पानी का बोतल 20 रुपये मतलब खरीदे थे, एक मतलब 20 रुपये 30 रुपये इससे पानी का बोतल मिलना मतलब साथ में आया है। बैठिए ना, ठीक है चलते हैं उधर बैठते हैं, और भैया हमारे लिए समोसा लाएंगे, और चलते हैं उधर बैठते हैं। वहाँ से आते आते पूजा से यहाँ फ्रंट थक चुके हैं हम। और ये देखिए सिटिंग कॉर्नर है भी, मेरे साथ करण भी है, और बैठते हैं यहाँ पर कुर्सी, देखते हैं कुर्सी यहाँ पर टेबल लगा हुआ है बैठने के लिए। इधर तो धूप है, साइड में आप देख नहीं रहा होगा, और इधर कुर्सी लेकर इधर बैठते हैं हम। और कुछ देर में समोसा आ रहा है मेरा, आ जाओ करण इधर बैठ जाओ। सो गाइस कैसा लगा आप लोगों का मेरा वीडियो बताइए कमेंट करके। समोसा आ रहा है मेरा, और पीछे देख सकते हैं यहाँ पर लाइफ जैकेट भी रखा हुआ है, जो बोटिंग आ जाते हैं वो पहन के लाइफ। मेरा सोनू कुमार ब्लॉग्स भैया, उनका मैंने वीडियो देखा था कुछ दिन पहले, ये बोटिंग करने आया था, तो उन्हीं का वीडियो देखा हमको ये मतलब माइंड में आया कि हमको भी जाना चाहिए और लोगों को दिखाना चाहिए। वो जैसे बोटिंग का वीडियो आ रहे थे, परिवार में फ्रंट करने दिखाए थे, तो हम सोचे आए आप लोग को भी दिखाए रिपोर्ट फ्रंट। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आ रहा है समोसा बैठे हुए हैं, हमारा समोसा आ चुका है, अभी समोसा का टेस्ट करके बताएंगे यहाँ कैसा समोसा है, यहाँ का स्पेशल समोसा है। और भैया गए पानी लाने के लिए, और समोसा दिखाते हैं आपको हम रिवर फ्रंट का। यहाँ पर देखिए समोसा कितना, समोसा का चटनी मिला है, और ये देखिए गंदे बासी समोसा, हम लोग समोसा खाएंगे, यहाँ का समोसा 10 रुपये है। और देखते हैं खाकर क्या स्पेशल यहाँ का समोसा में, और आप लोग भी आकर जरूर ट्राई करिएगा। पहले खाते हैं बाद में यहाँ रखते हैं। और ये देखिए हम समोसा को टेस्ट करते हैं, समोसा कैसा है। समोसा तो बहुत टेस्टी है, यहाँ का है ठंडा है हल्का, बट बहुत टेस्टी है, आप लोग भी आकर टेस्ट करें योर फ्रंट लाइन रेस्टोरेंट में। सर ने क्या समोसा लाया? परम समोसा है ना, तो पहले खा लेते हैं फिर आप लोग से बात करेंगे। खाने में प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो बनाने में ना,
आज हमने समोसा खा लिया और समोसा बहुत टेस्टी है, समोसा का मटर उठा बहुत अच्छा से बनाया गया था। चलिए भैया से बात करते हैं, पैसा भी उनको दे देंगे समोसा खाए, बात करते हैं बोटिंग के लिए। अगर बोटिंग हो सका तो बोटिंग करेंगे हम, और हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर लाइव जैकेट रखा हुआ है, बोटिंग करते सब पहनते हैं सब। चलिए आगे आपको देखते हैं भैया, बगल में गए हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं खाना का मेन्यू है, बताते हैं खाना के मेन्यू में क्या क्या है, कितना रुपये का। यहाँ पर टी में स्पेशल टी में 10 रुपये का मिलता है, कॉफ़ी 20 रुपये का है, और मलाई कॉफ़ी भी 25 रुपये का। मैगी यहाँ पर मिलता है, मैगी एक मिलता है, मोमोज, स्नैक्स, छोला भटूरा, चाट, पनीर पकौड़ा, बर्गर, मशरूम चिली, चिकन चिली, मटर, सब कुछ यहाँ पर बर्गर वर्गर मिलता है। आप लोग आके यहाँ पर रिवर फ्रंट पर आके सब कुछ का एंजॉय कर सकते हैं, और ये देख सकते हैं हमारे पीछे का नज़ारा काफ़ी सुंदर है। भैया अभी वोटिंग अभी नहीं हो सकता है भाई, कितना आदमी है? 2 आदमी वोटिंग करना है। 100 जमा कीजिए, हो जाएगा ना। और झूला इच्छा तो नहीं होगा, झूला अभी समोसा जो खाए समोसा एक अच्छा होगा, 20-20 ठीक है, 10/10। यहाँ पर मैंने वोटिंग करने का पैसा दे दिया और समोसा का, अभी भैया बोल रहे हैं बुला रहे हैं, फिर जाएंगे वोटिंग करने के लिए। यहाँ पर लाइव जैकेट भी है और एक आदमी का चार्ज लगा है 50 रुपया, हम 2 आदमी से जा रहे हैं और लाइव जैकेट पहनेंगे हम, उसके बाद जाएंगे वोटिंग करने लिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो वीडियो में बने रहे लास्ट तक, और कैसा लग रहा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। और ये देखिए हमारे भाई करंट जैकेट लाइव जैकेट पहन लिए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मज़ा आने वाला है। हमने भैया से झूला के लिए भी बात किया था, झूला बोले अभी नहीं चलेगा। ठीक है तो अभी लाइव जैकेट पहन लेते हैं, करण पकड़ो तो मोबाइल, इधर ऐसे मोबाइल पकड़ो, हम लाइव जैकेट पहनते हैं, ऐसे ऐसे इधर ऐसे पकड़ो, हाँ वैसे ही पकड़ो। और ये देखिए अभी लाइव जैकेट हम पहनेंगे और उसके बाद जाएंगे वोटिंग के लिए। थोड़ा डर भी लग रहा है कि उतारने हमको नहीं आता है, ये बच्चा वाला है, वो पहना ना, छोटा है ये, बड़ा वाला पहनते हैं, बच्चा वाला छोटा वाला है। ये बड़ा लग रहा है। और ये देखिए आप लोग, हम यहाँ पर लाइव जैकेट पहन लिए, वो भी लगता है क्या ना, चैन ना, वो वाला लगा है ना, वो इसको लगाना पड़ेगा ना, ये लग ही नहीं रहा है। जा रहे हैं अभी हम वोटिंग करने के लिए, भाई तुझे तुम खड़ा कैमरामैन, पीछे भैया आ रहे हैं, तो भैया से बात भी करते हैं। भैया आप ही हैं, आपका नाम क्या है बताइए भैया? इंद्रकांत भैया है, और यही हम बोले जा रहे हैं वोटिंग करने के लिए, और काफ़ी मजा आने वाला है भैया, चलिए आप चलिए। और हम भैया यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं, हम ब्लॉगर हैं, और काफ़ी लोग हमारे वीडियो देखते हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं, आप इन्जॉय कर सकते हैं, तो ये चीज़ मिलता है। हाँ और बताइए नया था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग आए होंगे घूमने के लिए। हाँ बहुत सारे घूम के जाता है, बहुत मजा आता है। हाँ हमने एक भैया का वीडियो देखा था, वो बता रहे थे कि आप आधा घंटा के लिए आप 50 रुपये में देकर एक आदमी का और आधा घंटा राइड कर सकते हैं। आधा घंटा गाड़ी, तो जा रहे हैं अभी, मज़ा करेंगे, आप लोग बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी हम आ चुके हैं रिवर फ्रंट पे, और पीछे घोराई घाट भी यही है, उस पार सोमनाहा बलहा सब उसी पार है, नदी के उस पार है। और अभी हम जा रहे हैं बोटिंग करने बोट पे, काफ़ी मज़ा आने वाला है। आप फोन कर मत देखिए ना, नदी का नज़ारा पर आगे दिख रहा होगा आपको, बोट उसी पे हम जा रहे हैं, देख सकते हैं काफ़ी भैया लोग यहाँ पर फोटो खिंचवाने के लिए बोट पे गए हैं। अभी हम आ चुके हैं बोट पे, और कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है अभी बोटिंग करके, सब आपको बताएंगे एक्सपीरियंस हम। और देख सकते हैं भैया पीछे में बोल रहे ताला, बने रहिए हमारे साथ, और चैनल बनाया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं उस साइड, अरे भाई साहब शायद आपको दिख रहा होगा मेरा फेस धूप के कारण। और देखिए वहाँ पीछे ये बूढ़ी गंडक नदी है, और उस पर सोमनाहा बल्हा वो सब पूरे गाँव इस टाइप है, और कोराई घाट पर भी हम आ चुके हैं। हाँ चलिए, जो है वो है, और बापरे।
देखिए हम आ रहे हैं पंडित और आगे की तरफ भाग रहा है बोट। काफी मजा आ रहा है। बोटिंग पहली बार लाइफ में कर रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है। मेरे साथ कलर 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 कैसा लग रहा है? मजा आ गया, मजा आ रहा है गाइस। और डर भी लग रहा है, पर क्या कर सकते हैं, लाइफ में कुछ कुछ करना चाहिए, एडवेंचर तब लाइफ का मजा आएगा। और बीच में नदी में आ चुके हैं अभी हम, बहुत मजा आ रहा है। करण बोल रहा है पैर दुखा रहा है, करण प्यासे प्यासे क्या बोटिंग कर सकते हैं, बोटिंग का मजा ले सकते हैं। छोड़ो ना, कोई मर गया, एक दिन तो हमको भी मरना ही है। जीने के लिए कौन आया है? हैंडी है। काट करके ही देना जब। हाँ, इधर घुमाओ, इधर घुमाओ, चलते हैं, चलते हैं उस पर। काफी मजा आ रहा है गाइस। और आप पचास रुपए देकर राइडिंग कर सकते हैं, फोटो वीडियो शूट करके पैसा चुका सकते हैं। काफी मजा आ रहा है। तो आपको हम दिखाते हैं फ्रंट का नजारा नदी का। देखिए नजारा हमारे सामने का, पूरे नजारा नदी का। और काफी जोर लगता है बोट को चलाने के लिए, पैर नील मारना पड़ता है और बोट आगे की तरफ भागता है। और ये देखिए सूरज देव को, आगे सूरज देव है और पीछे हमारे रिवर फ्रंट है और आगे हम लोग जा रहे हैं सीधे। हाँ, देख सकते हैं करण जी यहाँ पर बोटिंग कर रहे हैं, बोटिंग चला रहे हैं। और बहुत मजा आ रहा है। बोट घुमाओ, बोट घुमाओ, बोट घुमाओ, बोट घुमाओ करण, बोट घुमाओ, बहुत मजा आ रहा है। आप 50 रुपया दे के आधा घंटा तक के लिए मजा कर सकते हैं। बोट घुमा, बोट बोट घुमा, बोट घुमाओ ना, बोट घुमाओ ना, बोट घुमाओ इधर। अरे अरे अंकल जी, अरे देख इधर घुमा, इधर इधर ऐसा कर। हाँ हमरो पता। लोग को बहुत मजा आया, हम लोगों ने फोटो बने खींचा, वीडियो बनाया। अब हम लोग जा रहे हैं वापस रिवर फ्रंट पे। काफी मजा आ रहा है और बोट चार सारे थक चुके हैं हम। क्या साइकिल? साइकिल आगे वहीं पर लगा हुआ है। और दिखाते हैं आपको आगे नजारा। हम गाइस हम लोग आ चुके हैं बोटिंग करके, काफी थक चुके हैं, पसीने पसीने हो चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं लाइफ जैकेट उतारेंगे और थोड़ा देर हम यहाँ पर बैठेंगे और उसके बाद अपने घर के लिए निकलेंगे। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, जय बिहार, बाय बाय, टेक केयर।